वेलकम टू ममताज किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक कॉन्टिनेंटल डिश बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारी सब्जियां डाली हुई है। आप इसे कोई भी पार्टी में बना सकते हैं। बच्चों को तो पसंद आएगी ही आएगी, बड़ों को भी ये डिश बहुत ही पसंद आएगी। तो बनाते हैं आज हम एकदम मज़ेदार पिज्ज़ा कप। पिज्ज़ा कप बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, एक कप गेहूं का आटा लिया है, पाउडर शुगर है और ये यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट ली है हमने। आप एक्टिव ड्राई यीस्ट भी ले सकते हैं। और आटा गूंदने के लिए थोड़ा गर्म पानी लेंगे और सॉल्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। एक बाउल में हम मैदा ले लेंगे और गेहूं का आटा ले लेंगे। हमने यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ किया है। आपको गेहूं का आटा नहीं यूज़ करना है तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा शुगर डालेंगे और इंस्टेंट ड्राई यीस्ट डालेंगे, वो भी हाफ टी स्पून। हमने यहाँ पर इंस्टेंट ड्राई यीस्ट ली है तो इसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। आप एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ करते हैं तो बाउल में आप यीस्ट को पहले एक्टिव कर लें, उसके बाद यूज़ करें। अब ये हमने गुनगुना पानी लिया है तो उससे हम आटा लगा लेंगे। पानी एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि हमारी जो यीस्ट है तो वो डीएक्टिव हो जाती है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए आप। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब बटर या घी लगाकर उसे ग्रीस कर देते हैं। एक घंटे तक हमें ढककर इसे थोड़ी गर्म जगह पर रखना है ताकि ये हमारा आटा फूल जाए। जैसे हम ब्रेड के लिए प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम पिज़्ज़ा कप का स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने ब्रोकोली ली है, 3 कलर के बेल पेपर्स लिए हैं, एक छोटा वाला केबेज लिया है, एक बड़ा वाला ऑनियन लिया है, पिज्ज़ा मसाला है, ओरेगानो, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये टोमेटो केचप है और ये थोड़ा हमने सेजवान सॉस लिया है। थोड़ा चिली फ्लेक्स लेंगे हम और टॉपिंग के लिए हमने चीज़ लिया है, ओलिव्स लिया है और अंदर लगाने के लिए मेयोनीज लिया है। तो बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जियों को कट कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम छोटा नहीं हमें कट करना है, थोड़ा ऐसे बड़ा रखना है। ब्रोकोली हमने कट कर ली है, बेल पेपर ले लेते हैं। सब्जियां आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं। अभी ब्रोकोली की सीजन अच्छी चल रही है तो ब्रोकोली हमने डाली है, नहीं है तो आप ब्रोकोली अवॉइड भी कर सकते हैं। रेड केबेज आता है तो आप ये नॉर्मल वाला केबेज से वो रेड केबेज भी यूज कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है। अब हम इसे उसका स्टफिंग बनाएंगे। इस पर एक हमने कढ़ाई रखी है और उसमें हम 1 टेबलस्पून ओलिव ऑयल डालेंगे। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो ब्रोकोली हमने कट कर ली है वो डालेंगे। आप इसमें स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं साथ में। और साथ में अनियन भी डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी की सब्जी हम डाल देंगे। तो ये बाकी की सब्जी भी हमने डाल दी है। तो अब हम इसमें जो हमने सॉसेस और मसाले लिए हैं वो डाल देंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल देंगे, सेजवान सॉस लिया है हमने वो भी डाल देंगे, टोमेटो केचप लिया है वो भी डाल देंगे, पेपरिका पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे। ये जो सेजवान सॉस लिया है उसमें थोड़ा तीखापन होता है तो उस हिसाब से आप डालिएगा। ये ओरेगानो है 1/4 टीस्पून वो भी डाल देंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा मसाला है वो हम 1 टीस्पून डाल देंगे, ये आधी टीस्पून और ये दूसरी आधी टीस्पून।
तो ये टोटल हमारा 1 टीस्पून हो गया। अब थोड़ा ज्यादा या कम सॉस और मसाले कर सकते हैं। अभी तक हमने सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि ये सब जो सॉस लिए हमने उन सब सॉस में सॉल्ट होता है, तो ये सब मसाला करके आप टेस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आप सॉल्ट डालिएगा। तो ये मसाला हमारा एकदम रेडी हो गया है। जो हमने मेयोनीज लिया है 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, थोड़ा क्रीमीनेस आ जाएगा। तो ये स्टफिंग हमारा तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये स्टफिंग हमने बाउल में निकाल लिया है और ये आटा जो हमने लगाया था वो भी हमारा डबल हो गया है। अब हम इसके कप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से जो एयर अंदर जनरेट हुई है वो निकाल देंगे। ये आटा अब एकदम तैयार है। कप केक्स का मोल्ड आता है उसमें हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से आप एक कटोरी की साइज का छोटा वाला लुई ले लेंगे। और इसे हाथ से इसे फैला लेना है। इसे हमें ग्रीस कर लेना है, तो आप बटर या घी कुछ भी लेके इसे ग्रीस कर दीजिए। तो ये सभी कप को हमने ग्रीस कर दिया है और अब हमने जो आटे का बनाया था हाथ से, तो उसे हम इसके अंदर सेट कर देंगे और सभी कप ऐसे हम तैयार कर लेंगे। अब ये हमने सारे कप तैयार कर लिए हैं, तो इसमें हम अब ये जो मेयोनीज है थोड़ा थोड़ा वो नीचे लगाएंगे, इसे ब्रश से थोड़ा थोड़ा मेयोनीज लगा देंगे। आप थोड़ा पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं, ये मेयोनीज भी हमने लगा दिया है। अब जो ये हमने स्टफिंग बनाया है वो अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और अभी हमने ये पिज्जा कप बनाया है, तो आप डो का पॉकेट जैसा बनाकर उसके अंदर ये स्टफिंग स्टफ करके उसका पिज्जा पॉकेट जैसा भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टफिंग हमने सब इसमें भर दिया है, अब उसके ऊपर हम चीज डालेंगे। इसे हम किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी में सर्व कर सकते हैं और डिनर में भी इसे आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर हम ओलिव्स लगा देंगे, हमने ब्लैक ओलिव्स लिए हैं, आप ग्रीन ओलिव्स भी ले सकते हैं। ऊपर थोड़ा पिज्जा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ये तैयार हो गया है और इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। 15 मिनट हो चुकी है। अब हम इसे 150 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट तक इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने कप्स रख दिए हैं ओवन में। फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद हमारे पिज्जा कप सब रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं इसमें हमें जो हमने मटेरियल लिया था उसमें से 12 पिज्जा कप बने हैं। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से नीचे से भी बेक हो गया है और इजीली अनमोल्ड हो जाता है। तो इसे हम सर्व कर देते हैं। लुक में ये जितने अच्छे दिख रहे हैं, टेस्ट में ये इससे भी ज्यादा बढ़िया है। तो ये पिज्जा कप बड़े और बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको बनाना भी एकदम आसान है। तो फ्रेंड्स, तैयार है एकदम टेस्टी और यम्मी पिज्जा कप।